वालेकुम फ्रेंड, मेरा मसल और आप देख रहे हैं ANM व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत पिछले दिनों फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद नहीं दिखेगा और ईद फ्राइडे को होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आज तरावी भी हो गई, सब कुछ हो गया, चांद नहीं दिखा। तरावी पढ़ के आए, 10:30 बज गया, चांद नहीं दिखा। 11:15 पर आया कि शायद चांद दिख जाए और 11:30 ऐलान हुआ कि चांद दिख गया। मतलब एकदम वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए, ज़िंदगी बदल ली। मतलब जो रश हुआ रोडों पे, सब भाग रहे अपने घरों को और क्योंकि ईद की तैयारी करनी है। तो अभी बस चांद रात है, अब कल मैं पूरा दिखाऊंगा अपना दिन क्या और कैसे जाता है मेरा ईद का दिन। तो अब सुबह नमाज है, कुछ ईद की नमाज है 6:10 पर और फजर की है 5:30। तो 5:30 से 5:15, तो मसला ये है कि हम लोग फजर के बाद अपने घर पे नहीं आएंगे, तो मुझे उसके हिसाब से 4:45 उठना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है 1, मतलब सोने का फ़ायदा क्या है, फिर 3 घंटे कौन सोता है बताओ। फिर भी लेट के देख लेंगे, 1-2 घंटे की आँख लगा लेंगे, खैर है क्या होता है। सही है बस, जैसे कि आप सुन सकते हैं फजर की अजान हो रही है और मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, तो अभी जा रही की नमाज सुनने लग चुकी हूँ। अब नमाज पढ़ के तो आ गए, तो अब फिर मैं सो के जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। सो के तो उठ गया हूँ, अब किसी और मिलने के लिए चलते हैं। सबसे ईद मिल के आ गए हैं और खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर सो के जा रहा हूँ। फिर पूरी रात सोया नहीं था, मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा सोया हूँ। मैं रात के 2-3 घंटे आग सो गया था, मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद 8-9 बजे सोया था, मैं 12 बजे उठ गया था। तो अब सोने जा रही हूँ वापस से, क्या पता सोना से लेट हूँ, देखते हैं बस। अब शाम में मिलते हैं। हाँ, और बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 3, मैं सो के तो उठ गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और थोड़ी देर लेटा ऐसी, आज पूरा थक गया था। सही है, तो यार अभी टाइम हो रहा है 7:10 बचे और रात को हमें दावत में जाना। अब हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। सही है, बस आगे मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो कपड़े पर रात को दावत में आए तो वो पहन देंगे, इसलिए वो रख दिया कि स्त्री ख़राब ना हो। तो चलें, अब मैं तैयार हुई हूँ कि दावत में जाना है और अभी टाइम हो रहा है 8:35, तो अब उस्मान अपनी दावत में ले चले। तो चलें, जो लॉटरी निकली था वो नीचे दुकानों की निकल। तो भाई यार आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने कल दावत में नीचे से घर पे खाना खाया जाते, देखे थे खाना बनने वाली वीडियो है ये। तो उसके बाद मैं आके रात सो गया था 1:30-2 बजे तक, क्योंकि थोड़ी देर जाग रहे तो सो गया था। पर मैं तो आज ईद का दूसरा दिन है और अभी टाइम हो रहा है 5 और अब मैं तैयार होने में, क्योंकि हम लोग किसी के घर जा रहे हैं। तो चले, तो अभी मैं यूँ जाऊँगा और यूँ आ जाऊँगा। ताली से करते ब्लॉग तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वंस अगेन आप सबको असल की तरफ से ईद मुबारक।